और देखने में एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम पूरा फ्री में, कोई एकदम पैसा नहीं, एकदम पूरा फ्री में इसको आप लोग बना सकते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सचित गंज हूँ, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मोबाइल स्टैंड, आप लोग को दिखाएंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। सो हमको वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम आज घरेलू तरीका मतलब अपने से ही लकड़ी का बनाएंगे स्टैंड। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं कि हम किस तरह से मोबाइल स्टैंड बनाते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले देखिए लकड़ी ले लेना है। देखिए मेरे पास अभी दो ठो लंबा लंबा लकड़ी है, तो अभी दोनों का भी छोटा करेंगे, तीन भाग में बांटेंगे। देख सकते हैं अभी लकड़ी को, पहले इसको अभी देखिए इतना बड़ा बनाएंगे, इतना सा वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा होगा। इतना सा भी काटेंगे, देख सकते हैं दोस्तों इसको काट लिए हैं, इसी का बराबर और एक ठो काटेंगे। दोस्तों देखिए दो ठो काट लिए हैं और एक ठो अभी काटेंगे, देख सकते हैं दोस्तों देखिए फालतू है, देख सकते हैं तीन ठो एकदम एक साथ काट लिए हैं लकड़ी। अब इसको बनाना शुरू करेंगे स्टैंड। देखिए पहले लकड़ी को ले लेते हैं और देखिए इधर एक ठो बोतल है, देख सकते हैं। अब बोतल को अभी काटेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। सो अब इसको काटेंगे यहाँ बीच से, देखिए यहाँ से काटना होगा दोस्तों। देखिए अभी काट रहे हैं इसको अभी बीच से, दोस्तों देखिए बोतल को एकदम बीच से काट दिए हैं। अब देखिए स्टैंड बनाना शुरू करेंगे। देखिए पहले हम इसको बंद कर लेते हैं और देखिए यहाँ स्टैंड का जो देखिए ये सब पैर है, तीन ठो पैर यहाँ लगाने का जैसा बना देंगे। पहले देखिए कैंची का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आप कोई भी सामान का यूज कर सकते हैं, बस कटिंग होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से पहले काट लेना है। देखिए ये सब जो है ये सब फालतू, ये सबको हटा लेते हैं। देखिए बोतल को इस तरह से कटिंग कर लेना है, देख सकते हैं। देखिए एक भाग, दो भाग, तीन भाग, देखिए तीन भाग में कटिंग कर लेना है। देखिए मेरा तीन ठो अभी लकड़ी का देखिए पैर है, स्टैंड का पैर, तो अभी तीनों को यहाँ लगाएंगे। दोस्तों देखिए पैर को इस तरह से सेट करना है। देखिए पहले लकड़ी को ले लेना है, उसके बाद देखिए इसका जो भाग है, देखिए बोतल का पहला भाग है, देखिए इसको यहाँ ऐसे करके, और देखिए यहाँ रस्सी या किसी भी कोई भी चीज़ का सहायता से यहाँ बांध सकते हैं। देखिए यहाँ ऐसे करके बांधेंगे, देख सकते हैं दोस्तों अभी हम बांध रहे हैं इस स्टैंड का जो पैर है उसको। अभी हम देखिए देखिए तार है, तार की सहायता से बांध रहे हैं, आप रस्सी का भी या कुछ भी ले सकते हैं इसको बांधने के लिए। दोस्तों देखिए एक ठो पैर को अभी हम बांध लिए हैं, अब देखिए दूसरा पैर को भी बांधेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम अच्छे से दो पैर को अभी बांध लिए हैं और देखिए अभी तीसरा बाकी है, अभी इसको भी बांधेंगे इस तरह करके, और मेरा जो स्टैंड है कुछ बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से अभी बांधेंगे। तो देखिए इसको भी अभी बांध रहे हैं दो। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली एकदम हम अच्छे से बांध दिए हैं एकदम तीनों पैर को, देख सकते हैं एकदम। देखिए इस तरह से एकदम स्टैंड को खड़ा करना है, एकदम मस्त एकदम हो गया है। अब देखिए मोबाइल रखने का जो जगह होता है, देखिए यहाँ बनाएंगे मोबाइल यहीं पर रखेंगे। तो देखिए ये जो है इसी को अभी बनाएंगे, बोतल का दूसरा भाग है इसी को अभी बनाएंगे मोबाइल रखने का जगह, यहाँ किस यहाँ इस तरह से बनाएंगे। तो इसको इस तरह से कटिंग करना है, इसको भी हम कैंची की मदद से अभी कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। और देखिए इसका जो ये सब इसको हटा देना है, देखिए इस तरह से एकदम कटिंग कर लेना है, देख सकते हैं। देखिए
कटिंग कर लेने के बाद देखिए मोबाइल जो इस प्रकार से हम लोग को रखना है यहीं पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हम लोग का कैमरा जो है देखिए ये है देखिए, और यहाँ इस तरह से अभी सेट करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ सेट करना है इसको। तो देखिए दोस्तों, देखिए सेट करने के लिए पहले इसका जो ढक्कन है देखिए ढक्कन को पहले खोल लेते हैं। और देखिए यहाँ एक छोटा सा एकदम छेद करना है, तो अभी हम छेद कर रहे हैं दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसको हम ढक्कन को छेद कर दिए हैं, आप कोई भी सामान ले सकते हैं छेद करने के लिए। और देखिए ये जो बोतल का दूसरा भाग है इसको भी यहाँ छेद कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको भी छेद कर लिए हैं, देखिए ढक्कन को भी छेद कर लिए हैं, और देखिए बोतल का जो दूसरा भाग है मोबाइल रखने वाला इसको भी यहाँ छेद कर लिए हैं। और देखिए मेरे पास इस तरह का एक नट बोल्ट है, देख सकते सबसे पहले देखिए ये जो ढक्कन है देखिए ढक्कन में इस तरह से लगाएंगे, अभी देख सकते हैं ऐसे करके एकदम पूरा सेट कर देना है। और देखिए ये जो इधर का भाग है यहाँ इस तरह से सेट कर देना है, देखिए अभी हम इसको पूरा एकदम टाइट से करना होगा, नहीं तो फिर मोबाइल फिर गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए इसको भी अभी हम सेट कर दे रहे हैं, प्लास की मदद से करेंगे थोड़ा टाइट रहेगा। दोस्तों देख सकते हैं एकदम ये इसका जो ढक्कन है इसको इधर सेट कर दिए हैं देखिए एकदम पूरा मस्त से। और देखिए बोतल का दूसरा भाग है हम दोनों को अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब देखिए बाकी है यहाँ जो मेरा स्टैंड है यहाँ पर अभी इसको इस तरह से लगाएंगे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम फाइनली मेरा जो स्टैंड है एकदम फाइनली एकदम अच्छे से तैयार हो गया है देख सकते हैं, और देखने में एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम पूरा एकदम 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 देसी स्टाइल है, एकदम फ्री में आप बना सकते हैं। हम अभी वीडियो दिखाई उसके हिसाब से एकदम हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए बना सकते हैं एकदम पूरा मस्त से। देखिए अब आप लोग को हम दिखाएंगे कि इसका जो यूज किस तरह से करना है। सो देखिए मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल का कवर है मान लीजिए मोबाइल ही है, देखिए मेरा जो एक ही मोबाइल है तो मेरा जो मोबाइल है उसमें अभी वीडियो शूट हो रहा है तो उसका जो कवर है तो कवर यानी कि मोबाइल, तो देख सकते हैं इसको किस तरह से लगाना है। सो देख सकते हैं इस तरह से एकदम लगा लेना है मोबाइल को। और देखिए जो भी आपका रहेगा वीडियो बनाने का वो देखिए आगे जो रहेगा आदमी या जिसका भी एकदम शूट करना है आगे रहेगा, और देखिए आप यहाँ से इस तरह से स्टैंड को लगा करके और वीडियो शूट कर सकते हैं। या तो फिर आप देखिए इधर जो आगे का कैमरा होता है सेल्फी कैमरा ऐसे भी यहाँ लगा लेंगे। और देखिए हम तो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, हमारे चैनल में जाइए और देखिए कि हम किस किस तरह से ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। सो हम ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो देखिए कभी कभी खाना उना बनाते हुए या तो खेत में काम करते हुए इसी तरह का वीडियो हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा जो कैमरा यहाँ ऑन है, और देखिए हम अपना इधर काम कर रहे हैं, कोई आदमी का भी जरूरत नहीं है। देखिए मेरा जो स्टैंड देसी स्टैंड है आदमी का काम कर रहा है देख सकते हैं। बोतल तो ऐसे ही आप लोग फेंक देते होंगे, लकड़ी सब को एकदम वैल्यू नहीं लगाते होंगे, लेकिन देख सकते हैं एकदम जितना भी फालतू चीज़ है वो कितना एकदम मस्त, कितना हम लोग के लिए जो कितना अच्छे काम आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ को फालतू समझना नहीं चाहिए, देख सकते हैं फालतू चीज़ ही मेरे लिए एक आदमी का काम कर रहा है देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। और